हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय द्वारा एससीआर कैसे ज्ञात किया जाता है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एससीआर तथा एलसीएम ज्ञात करना। तो आइए शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, हम अभाज्य संख्या लेते हैं, यानी कि किसी भी संख्या को डिवाइड करने के लिए हम अभाज्य संख्या लेते हैं, तब तक डिवाइड करते हैं तब तक आपको अभाज्य संख्या प्राप्त ना हो जाए। ठीक है, देखो समझो, यहाँ पे अभाज्य संख्या होती क्या आपके पास में, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप लोगों के पास सबसे पहले होती है दो, दो के बाद होता है आपके पास तीन, तीन के बाद होता है पांच, पांच के बाद सात, सात के बाद आपके पास होगा यहाँ पे ग्यारह, ग्यारह के बाद तेरह, तेरह के बाद सत्रह, सत्रह के बाद उन्नीस, उन्नीस के बाद तेईस, और तेईस के बाद उनतीस डैश डैश। ये होती है अभाज्य संख्या, यानी कि आप किसी भी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो इन संख्याओं से डिवाइड करोगे। किसी भी संख्या को डिवाइड करने का रूल यही होता है, सबसे पहले दो से डिवाइड करते हो, यदि वह संख्या दो से डिवाइड नहीं होती फिर आप क्या तीन से डिवाइड करते हो। ठीक है, यदि वह तीन से डिवाइड नहीं होती तो फिर आप पांच से डिवाइड करोगे, लगभग लगभग उनतीस तक जाते हो, तो कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो देखते हैं आज पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का, प्रश्नावली का, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि आपको उनके गुणनखंड करने। देखो गुणनखंड करना सीखेंगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में। गुणनखंड करते कैसे हैं, पहली संख्या लिया हमने 140, पहला ही क्वेश्चन लिया 140, और इसके आप लोगों अभाज्य गुणनखंड। अब देखो अभाज्य गुणनखंड करते कैसा, सबसे पहला हमने क्या करा 140 लिया, और 140 की दावत किससे करी, 200, यानी कि सबसे पहले 200 आप लोग इसे क्या करोगे डिवाइड, इसकी दावत करनी शुरू करो, दावत करी, इसके अध्यय कितने 14 के अध्यय 7, अब देखो भाई 70 के अध्यय 35, तो 35 भाई साहब की दावत तो 200 नहीं होने की, यानी कि 200 तो कटने वाला नहीं है, तुम किसका प्रयोग करेंगे, मैंने बोला आपको तीन, आप लोग अगली संख्या पे चल जाओ, तीन, तीन एकम तीन, तीन भाई साहब तो बिल्कुल नहीं डिवाइड हो रहा। अब हम क्या करेंगे, जब तीन से नहीं कटने का तो हम क्या करेंगे पाँच, तो यहाँ लिया हमने पाँच, पाँच सत्ते 35, तो लास्ट में आपको क्या ज्ञात करनी थी, अभाज्य संख्या। देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका अभाज्य, जब तक ही डिवाइड करोगे तब तक आपको अभाज्य संख्या ना मिल जा, अभाज्य संख्या ना मिल जाए। देखो अभाज्य संख्या सात ही आ गया, सात, चलो भाई सात ने तो दे दिया इसका साथ, अब आप मेरा भी साथ दो, यहाँ पे दो दो पांच और सात, तो इसके क्या क्या लाएंगे अभाज्य गुणनखंड, और यही क्या हो जाएगा आंसर, ये रबकारी था आप इसे खत यहाँ पे से क्या कर दोगे फिर मिटा दोगे। अब आता है आपके पास दूसरा सवाल, दूसरा सवाल देखते हैं 156, 156 की भी दावत करो भाई, इसका छोड़ दोगे आप लोग, 156 भाई साहब को पकड़ा और क्या करी दावत, 200 काट का देखा, 2 सत्ते 14, एक बच गया 2 अट्ठे 16, फिर आपने इसकी दावत करी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 नम 18, सॉरी एक बार दोबारा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तीन बार पाड़ा चला, आपके पास बचा 18, 2 नम 18, फिर अब क्या होगा 200 तो कटने वाला है नहीं, आप किसका प्रयोग करोगे, तीन का, तीन से देखते हैं, तीन एकम तीन, तीन तिया 9, तो लास्ट में आपके क्या आगा अभाज्य संख्या, ला ला ला, हम अभाज्य संख्या लानी थी और अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी आ गई। ठीक है, तो यहाँ तक ही आपको करना, अब इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तीसरा आप लोग का जो 38 25, इस भाई साहब को भी बुलाओ बैठाओ, ठीक है, इज्जत से सम्मान करो इसका, पूरा पूरा सम्मान करना आपको, 38 200 38 25। ठीक है, सबसे पहले दो बंदे आपने इसकी सेवा में लगाए, 200 क्या हो रहा है ज़्यादा, 200 तो कटने का नहीं क्योंकि संख्या के पीछे क्या आ रहा है पाँच, तो ये 200 नहीं कटने का, तो हम क्या करेंगे, हम तीन से देखेंगे इसकी दावत करने के लिए, तीन बुलाए, तीन एकम तीन, ये पूरा हो गया इसका, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, 2 कितना बचा आपके पास यहाँ पे 2, 22 बन गया, 3 सत्ते 21 बचा 1, 15, 3 पंजे 15, फिर 3 से कट रहा है 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बच गया 3 पंजे 15। अब देखो 3 एकम 3 से नहीं, यानी कि 18 बचा, जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो अब किससे डिवाइड करेंगे 5 से, और 5 से डिवाइड करने का ये रूल होता है कि यदि किसी संख्या के पीछे 5 आ रहा हो
जीरो आ रहा हो, यदि पांच तथा जीरो आपको किसी भी संख्या के पीछे दिखाई देता तो पांच से डिवाइड होगा, तो हम पांच से डिवाइड करेंगे, पांच अठे चालीस, आठ आ गया, दो बज गया, पंजे पंजे पच्चीस, तो आपका कंप्लीट। इसके बाद क्या होगा, हम फिर काट कर देखेंगे सर किससे, भाई पांच से कट रहा गए, देखो भाई पांच एकम पांच, एक बार तो पढ़ा चल गया, बचे कितने तीन, पांच सत्ते पैंतीस, ठीक है। अब आपका आ गया सत्रह, और हमारी रहा कोई भी खतरा, क्योंकि सवाल ये क्या हो गया कंप्लीट, आपका क्या आ गया अभाज्य संख्या, हम मेहनत कर क्या ला रहे थे अभाज्य संख्या, तो अभाज्य आ गई, तो हमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं, सवाल कंप्लीट हो गया आपका। आप डाल लो यहाँ पे सॉरी तीन तीन पाँच पाँच और सत्रह, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सवाल कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे, इसे खत्म करो भाई। नेक्स्ट आप लोग हैं यहाँ पे, पांच डबल जीरो और पांच, इस भाई साहब को भी भाई दावत करो, पांच डबल जीरो पांच, मैंने आपको बोला यदि संख्या आपको क्या दिखाई दे पीछे पांच, तो किससे डिवाइड होगा पांच से, तो ये हम पांच से डिवाइड करके देखेंगे, पांच एकम पांच, ला ला ला, पांच एकम पांच, एक बार आपने डिवाइड कर दिया दो जीरो पीछे, जो कि तुम कोई पंगा नहीं किसी प्रकार का, पांच ही कम फिर पांच, इतना पाड़ा तो मेरे पास भाई कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते हैं पांच तो सफा हो गए, अब हम क्या करेंगे पांच के बाद एक भाई साहब जी और साग गए, इसका प्रयोग करके देखेंगे, क्योंकि अभी पांच से कटने का नहीं, क्योंकि पांच का रूल है यदि पांच आना चाहिए या क्या आना चाहिए शून्य जीरो, ठीक है। अब क्या आना चाहिए यहाँ पे पांच, तो कटता नहीं, तो आप लोग क्या लोगे सात, सात से देखते हैं, सात से इसकी मेहमान नवाजी करो पूरी, सात एकम सात, कितना बचा तीन, यहाँ पे तीन बना तो कितनी होगी तीस, सात एकम सात, सात दून चौदह, सात इक्कीस, सात चौक अट्ठाईस, आपका कितना आया चार, अट्ठाईस कितने बचे दो भाई साहब जी बच गए, एक ही है, कितना हो गया इक्कीस, सात या इक्कीस, तो ये तो कट गया भाई सात सा, अब सात सात सा काट के देखो, सात दून चौदह, लेकिन तीन बच रहा है और नहीं कटता, कुछ और प्रयोग करेंगे, सात साग क्या ग्यारह भाई साहब, इससे बात करेंगे भाई तुम्हारे काम आ, तो ये भाई साहब काम है, अब ग्यारह का प्रयोग करेंगे, ग्यारह एकम देखो, ग्यारह एकम ग्यारह, एक बार चला बचा कितना तीन, और ये वाला तीन कितना हो गया तैंतीस, ग्यारह तिया तैंतीस, तो हम इस सवाल को करने में कामयाब हो गए, हमारा क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड, लास्ट में अभाज्य, हम अभाज्य संख्या क्या करनी हो प्राप्त, तो उसके गुणनखंड हो जाएंगे पांच गुणा सात गुणा ग्यारह गुणा तेरह, खत्म इसकी कहानी। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, मैथ बहुत इजी है, आप बहुत प्यार से पढ़ो, और मैं आप लोगों को गारंटी ले रहा कि आपको हंसते साधते मैथ बिल्कुल क्या कर दूंगा, मैं सिखा दूंगा। तो इस अगला सवाल है भाई, सेवन फोर टू नाइन, इस भाई साहब जी की भी दावत करनी है भाई, क्योंकि ऐसा थोड़ा ही ना हम ऐसा कि इसके साथ धोखा करेंगे, जब इनकी दावत करी तो उसकी भी दावत करेंगे, क्योंकि मैं था किसी को छोड़ना नहीं है इसमें, आप लोगों को सबको बराबर देखना एक आंख से। तो अब देखो भाई यहाँ से आपके पास इसे हमने डिवाइड करा, डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लगभग लगभग हम लेंगे सत्रह, क्योंकि ग्यारह तक तो हो गया था ये ज़्यादा बड़ी संख्या, तो सत्रह से काम चलाते हैं, क्योंकि सत्रह से सारे खतरे खत्म हो जाए, तो सत्रह एकम सत्रह, सत्रह दूनी चौंतीस, सत्रह ती इक्यावन, सत्रह चौका अड़सठ, सत्रह चौक अड़सठ, तो आपका देखो अड़सठ घटाइए भाई, एक यहाँ पे आपने हासिल लिया चौदह, चौदह में चले गए, चौदह में से आठ गए, कितना बचा छः, तो आपके पास चार बार चला ये बचा दो, तो यहाँ हो गया बासठ, अब बासठ में चला, सत्रह एकम सत्रह, सत्रह दूनी चौंतीस, सत्रह ती इक्यावन, तीन बार चला, अभी ना घटाओ भाई यहाँ पे, दो में से आपका कितने गया एक बच गया, और यहाँ से कितना छः में से पाँच गया एक, ये बचा नौ, एक सौ उन्नीस, तो सत्रह सत्ते कितने होते हैं एक सौ उन्नीस, सत्रह सत्ते एक सौ उन्नीस, सत्रह सत्ते एक सौ उन्नीस, तो ये डिवाइड हो गया भाई आपका। उसके बाद डिवाइड करते हैं भाई हम, ये तो सत्रह से डिवाइड हो गया, अब हम क्या करेंगे कोशिश करेंगे, सत्रह से तो कट गया, अब सत्रह के बाद हम उसका गला प्रयोग करेंगे, उन्नीस भाई साहब जी को बुलाकर लेगा
चलो भाई तुम्हारा भी काम आ गया, क्योंकि धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा, तो सबका नंबर आएगा ठीक है। तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी कितने होते हैं आप लोगों के पास में 38, तो दो बार चला आप लोगों का, 19 दूनी 38 कितना बचा आपके पास में, यहाँ पे 13 13 मत आठ गए 5, और यहाँ पे कितना 7, कितना बन गया 57, 19 तिया 57। तो हम इतनी मेहनत करने के बाद सफल हुए आखिरकार, हमारे अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, अभाज्य संख्या हमारा और पजी क्या अभाज्य संख्या लाना, तो यहाँ पे क्या आ गया अभाज्य संख्या, तो उसके गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। तो इस प्रकार से आप लोगों के सभी संख्याओं के क्या होगी गुणनखंड क्या हो जाते हैं कंप्लीट। तो यही मेथड आपको यूज करना है इस प्रश्नावली में, अभाज्य गुणनखंड विधि ठीक है। अब हम और सवाल देखते हैं, सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता अभी। जैसा आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, इस प्रश्नावली का एक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत रिपीटेड होता है, क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, संख्या 603 तथा 657 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। देखो करना कैसा, हम क्या करेंगे, पहली संख्या 306 इसे रखेंगे, दूसरी संख्या 657 इसे भी रखेंगे, पहला निकाल लेंगे इनके अभाज्य गुणनखंड, 306 को लो और दावत करो इसकी 230 क्या दे 15, 6 क्या दे 3। अब देखो 200 तो कट रहे हैं, 3 से कट रहा, 3 पंजे 15 3 एकम 3। अब देखो फिर 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, तो बचा कितना 2, 3 7 21 ये बच गया अभाज्य, यहाँ तक ही हमें मेहनत करनी है अभाज्य तक ही, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3 और इसकी बच गई 20। आगे देखते हैं हम, फिर आपके पास आता 657 इस भाई साहब को भी लो ठीक है, इसकी भी दावत करो। आपने क्या करा भाई, इसे काटना शुरू करा, कैसे काट रहे आप लोग देखो, 3 से काटोगे 3 से कट जाएगा, 3 से डिवाइड करके देखो, 3 एकम 3 3 दूनी 6 कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोगों ने पढ़ा पढ़ा 3 एकम 3 कितना बचा 2 3 9 27, उसके बाद 3 से फिर कट रहा है, 3 7 21 3 3 9, तो आपके पास कितना आएगा 3 गुणा 3 गुणा 73, ये भी अभाज्य संख्या होती है, 73 क्या होता है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या तक हम चलना होता है। तो हम क्या करेंगे एचसीएफ ज्ञात करना है इसमें, एचसीएफ तो एचसीएफ कितना 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, कितना आ गया यहाँ पे 9। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम, एलसीएम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ए गुणा बी, ये आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, तो एलसीएम बराबर पहली संख्या कितनी है आपके पास 306 और फिर कितनी है 657 और इसे 9 से क्या कर दो डिवाइड, जब 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा एलसीएम, क्योंकि हमने बी गुणा करी है, 9 से डिवाइड करा तो कितना आता 73, तो यहाँ कितना आ जाएगा 73 एलसीएम, जब हम गुणा करेंगे तो 22 33 38, यहाँ आप इसका क्या आ जाएगा आंसर, गुणा करने में बहुत एक्सपर्ट हो आप मुझे पता, तो आप गुणा कर सकते हो, तो आपको आंसर मिलेगा 22 33 38। इस प्रकार से आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करने हैं क्वेश्चनों में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं, और बहुत ही इजी मेथड है, दोबारा देख लो कोई दिक्कत नहीं, आपको 2 संख्या दी गई इनके अभाज्य गुणनखंड द्वारा आप लोगों ने गुणनखंड किए, इनमें जो भी कॉमन होगा जब आप लोग क्या निकाल ले एचसीएफ, एचसीएफ वो होता है जो दोनों संख्याओं में क्या हो कॉमन, यदि 2 संख्या दे रखी हो तो 2 संख्याओं में कॉमन, यदि 3 संख्या दे रखी हो तो 3 संख्याओं में कॉमन, तो यहाँ 2 संख्या 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है ठीक है ना, उसके बाद 3 यहाँ भी था और 3 यहाँ भी था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया 9 कॉमन ले लिया, क्योंकि 3 3 9 आप लोग यदि देखो 1 3 इसमें से लिया 1 3 इसमें से, 1 3 इसमें से और 1 इसमें से 3 3 9, तो ऐसा मैंने क्या लिया 9 कॉमन लिया, तो एचसीएफ कितना आ गया 89। एलसीएम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, पहली संख्या कितनी है 306
दूसरी संख्या कितनी 657, 9 से डिवाइड कराऊँ कितना आ जाएगा आपका 73, 73 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 22, 33, 8। ठीक, तो ये आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पवन सर को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।